हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बीपीएससी ने अपना 63 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। इसको आप लोग आयोग की वेबसाइट पर अभी अपलोड हो जाएगा। फिलहाल अभी ये वेबसाइट पर नहीं है, ये अभी आयोग पर चिपका दिया गया है, वहाँ नोटिस बोर्ड पर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आज की डेट डली हुई है, ये अभी अभी बीपीएससी का परिणाम जारी हुआ है। जो दोस्त अपनी मेहनत के बल पर परिणाम में प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें हार्दिक बधाई। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह ही बता दिया था कि आज जो है 6 से 7 बजे तक जो है बीपीएससी प्री का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, आप लोग अपना रोल नंबर इसमें मैच करके मिला सकते हैं। तो जो लोग भी अगर जो प्री के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। मेंस के लिए जो है कुछ स्ट्रेटजी शेयर किया जाएगा जिससे आपको मेंस में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने जो है पिछला जो 60-62 मेंस हुआ था उसको मैंने दिया था, तो मुझे एक अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है 64वीं मेंस के 63वीं मेंस के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि आने वाला समय जो है उन्हीं का है, और जम के मेहनत कीजिए। इस बार आप जो है 64वीं प्री जो जो जिसकी डेट भी आ चुकी है, हमने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो 23 दिसंबर को 64वीं बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, ये पीटी का रिज़ल्ट आ गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो साथी पटना में हैं तो लोक सेवा वहाँ बिहार लोक सेवा आयोग जा कर के देख सकते हैं, या अगर जो नहीं जा पाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आधे घंटे में वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा परिणाम, आप उससे जान सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को और हम एक कट ऑफ बता देते हैं, जो हमने प्रिडक्शन किया था कि ये कट ऑफ होगी, लगभग उसी के बराबर कट ऑफ है। तो आइए मैं एक कट ऑफ पे थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो 63वीं बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट आया है उसकी कट ऑफ ये है कि जनरल के लिए जो है 96 क्वेश्चंस गया है, और ओबीसी के लिए 93 क्वेश्चन गया है, 93, ईबीसी के लिए जो है 88 गया है। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में है, डिटेल्स जो कि अभी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद ही पूरा पता चल पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप 63वीं मेंस के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। जल्द ही जो है एक मेंस की स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, क्योंकि पिछला जो मेंस हुआ था 60-62 का मई में, तो वो उसको मेंस मैंने दिया था, तो मुझे लगा कि बहुत कम समय में एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत अगर जो है मेंस दिया जाए तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जिसका 60-62 का मेंस जिन्होंने दिया है उनका भी इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, 20 से 25 सितंबर के बीच में जो है आ जाएगा 60-62 मेंस का परिणाम भी। तो दोस्तों, इस समय बीपीएससी जो है काबिले तारीफ काम कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट अपने जारी कर रहा है, साथ ही एग्ज़ाम भी करा रहा है। ये जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है मैं उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ। एक दो नंबरों से अगर नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, बस एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा नहीं कर पाए, एक दो क्वेश्चन से चूक गए, तो निराश नहीं होना है, फिर से उठना है और मेहनत करना है, क्योंकि 64वां बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो चुका है। आपके पास एक मौका है अपनी गलती सुधारने का, तो आप लग जाइए, 23 दिसंबर का उसका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, आप लोग ये रिज़ल्ट आज देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए किसका किसका जो है पीटी क्लियर हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक नया बैच शुरू किया जाएगा बीपीएससी मेंस के लिए, एक स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी। जो मैंने महसूस किया था 60-62 में, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी उसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।